नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। तुला राशि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ लक्ष्मी योग अष्टम भाव में और 11 और 12 अप्रैल को ग्रहण दोष का निर्माण होगा नवम भाव में। ग्रह अच्छे और बुरे अनुभव हमें देते रहते हैं, ऐसा ही कुछ तुला राशि वाले जातकों के साथ होने वाला है। 9, 10, 11, 12 तारीख को ग्रह कुछ अच्छे अनुभव भी देंगे, कुछ बुरे अनुभव भी देंगे। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ महालक्ष्मी योग अष्टम भाव में बनाएंगे। बुरे भाव में शुभ योग बनने से आपको इस शुभ योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों से आप जरूर बच पाएंगे। तो कह सकते हैं आपके लिए समय मिला जुला रहेगा। आपको यह समय बाधाओं और दिक्कतों के साथ बिताना पड़ सकता है, लेकिन यदि यह शुभ योग इस भाव में नहीं बन रहा होता तो यह बाधाएं और दिक्कतें आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती थी। अब बाधाएं थोड़ी सी कम होंगी और उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे सरल से उपायों से, जो उपाय आपको मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप किसी से उम्मीद ना लगा कर रखें इस समय में कि कोई आपकी सहायता करेगा। आपका यह विश्वास टूट सकता है बड़ी जल्दी कि कोई आपकी सहायता कर सकता है। आपने किसी से उम्मीद लगा रखी है तो आपको इसमें धोखा हो सकता है और बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। तो अपने बल पे काम करिए, जितना आप कर सकते हैं, किसी से भी उम्मीद नहीं लगाइए। आप काम करने से पहले जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, पूरी तैयारी करके ही निकले। फिर से कहूंगा, किसी से भी जरा सी भी उम्मीद मत लगाइएगा। कानूनी मामलों के आप जानकार होंगे, आपकी वासना की भूख बढ़ सकती है और आपकी वासना की भूख और गलत संगति आपको इस समय में पीछे लेके जा सकती है, बदनामी दे सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। महालक्ष्मी योग आपके लिए धन के मार्ग अवश्य खोलेगा, लेकिन धन और सफलता के बीच में आपकी सेहत और आपकी कम मेहनत और आपकी विलासिता भरी जिंदगी आ जाएगी, जिसकी वजह से रास्ते खुले होंगे, आप उस पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी और आप इधर उधर भटकने वाले इंसान हो सकते हैं। यानी कि मौका सामने होगा लेकिन आप उसको प्राप्त शायद नहीं कर पाएंगे। आपकी आमदनी बढ़िया नहीं रहेगी तो खर्चे भी बहुत बढ़िया नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आप अपने जमा धन को खर्च करके अपने आप को हानि में डाल सकते हैं। आपकी मेहनत पर शत्रु की नजर होगी, आपके लिए मार्ग बहुत अच्छे खुलेंगे, आपके लिए रास्ते बनेंगे, लेकिन अवरोध बहुत होंगे। कभी सेहत आ जाएगी, कभी वासना की भूख आ जाएगी, कभी शत्रु आ जाएगा। यदि आप इन सब बाधाओं को पार कर जाते हैं और जो उपाय बताऊंगा उसको आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी या आपका यह दो दिन बेहतर जा सकते हैं। धन संबंधी कागजात या कहीं पे साइन करना है उनको बहुत जांच परख कर पढ़ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें, नहीं तो आपको धोखाधड़ी हो सकती है। आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। आपका जीवन साथी आपको संकटों से निकाल सकता है, तो आपको जीवन साथी की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। उनकी बताई गई बातों को, सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके मीठा बोलें, बिल्कुल भी आप अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना लेकर आए और बढ़िया भोजन करें, सात्विक भोजन करें, मांसाहार या किसी भी तरीके की नशे संबंधी वस्तुओं से दूर रहेंगे तो आपका दिमाग भी और दुरुस्त रहेगा। आपको फोड़े फुंसी, घाव कटने फटने या चोट लगने की समस्या हो सकती है, तो वाहन इत्यादि बड़ी ही समझदारी से और संभल कर चलाएं। प्रेम संबंधों में वैवाहिक जीवन 50-50 वाला समय रहेगा। यदि आप शांत रहेंगे तो सामने वाला भी शांत रहेगा। यदि आपने कुछ बोला तो आपको बढ़िया सा जवाब भी मिलेगा जो लड़ाई का कारण बन सकता है। तो पारिवारिक संकट आ सकता है, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ घरेलू मुद्दे उठ सकते हैं इस समय में, जिसमें आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो लड़ाई का रूप ले सकता है आपके घर परिवार में। तो घरेलू महिलाएं भी इस समय में शांत रहेंगी और अपने काम में मन लगाएंगी, तो बहुत ज़्यादा तरक्की की उम्मीद ना करें। यह दो दिन बेहतर तरीके से बीत जाए, बस यही ईश्वर से कामना करिए और बताए गए उपायों को करिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जितनी तेजी से संकट आएगा उतनी तेजी से संकट चला भी जाएगा। आपको थोड़ा सब्र और धैर्य रखना है, धैर्यवान बनेंगे तो आप हर परिस्थिति से निकल पाएंगे। यदि आपने धैर्य खो दिया तो आप
का उतावलापन, आपका बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरे निर्णय लेने की वजह से आप परिस्थिति को और गंभीर बना सकते हैं या सकती हैं। अब बात करते हैं 11-12 तारीख की। नवम भाव में भाग्य स्थान पर चंद्र राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करेगी और शुभ भाव में बुरा योग आपके भाग्य की गति को धीमा कर देगा। यह समय आपका जो है बहुत मेहनत कराएगा या कहें जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। यह समय आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। यह समय आपको जमीनी हकीकत से जोड़ देगा। यह समय आपको बहुत चीजें ऐसी सिखा के जाएगा जो आपके जीवन में काम आएंगी, जो आपके अनुभवों में काउंट होगा। यह समय ऐसा होगा जो आपको हर काम को बारीकी से आपको समझाएगा, यानी कि जब ग्रह आपके विपरीत हो तो आपकी मेहनत बढ़ती है, परिश्रम बढ़ता है, श्रम बढ़ता है, और जब श्रम और मेहनत बढ़ता है तो आदमी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही यह बुरा वक्त आपको तपा कर कुंदन बनाएगा। लेकिन कुंदन आजकल बनना कौन चाहता है, सबको चाहिए हर वक्त अच्छा ही अच्छा रहे। लेकिन आप यकीन मानिए, जो इस परिश्रम की आग में तप गए वह निश्चित तौर पे कुंदन की तरीके से मार्केट में अपना नाम, समाज में अपना नाम रोशन करेंगे। आपके मन में घूमने फिरने के विचार आएंगे, लेकिन घूमने फिरने के लिए आपको साधन पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे, जिस कारण आप फिर से इरिटेट हो सकते हैं। यानी आप किसी को बुलाएंगे, चलो भाई घूमने चलते हैं, लेकिन वो शायद सामने से मना कर दे या एंड मौके पे मना कर दे, तो आपकी इरिटेशन बढ़ सकती है। तो आप खुद जाना है, अकेले जाना है, आप चले जाइए। आप उम्मीद मत रखिए कि इस समय में कोई आपके साथ आपको कंपनी देगा, तो और इस वजह से आप बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो सकते हैं। आप व्यर्थ में घूमने फिरने वाले महिला पुरुष होंगे, इस वजह से आप अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे छोड़ देंगे, टालते जाएंगे कि अभी कर लेंगे, एक घंटे बाद कर लेंगे, दो घंटे बाद कर लेंगे। इस वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और समय बीतता जाएगा, और समय बीतने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, असफलता हाथ आएगी, जिसकी वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इस समय में आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा, मेहनत और परिश्रम आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, आपको लोगों का साथ भी नहीं मिलेगा। आप इस समय में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें मेहनत करिए और उपाय करिए, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। और अच्छा भोजन करिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, तभी आप आज के समय को और बेहतरीन बना पाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए, बुरा वक्त है, ये आपको बुरी तरफ भी लेके जाएगा, अच्छी तरफ भी लेके जाएगा। तो रास्ता चूज आपको करना है। यहाँ पर ना मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ना ही आपका कोई मित्र या घर परिवार का सदस्य। निर्णय आपका है कि आपको किस मार्ग पर चलना है। ग्रह दोनों मार्ग आपको दिखाएंगे। अब जो मार्ग आप पकड़ लेंगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है माँ सरस्वती की आराधना करनी है, जिससे आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल निर्मल रहे और आप सही निर्णय ले पाए। हनुमान जी की आराधना करनी है और उसके साथ साथ शिव जी की आराधना करनी है, जिससे आपके ऊपर जो भी ग्रहों का दुष्परिणाम है वह शांत हो और चंद्रमा को बल मिले, और राहु शांत हो, और राहु शांत होगा तो आपको अच्छे परिणाम देगा, चंद्रमा को बल मिलेगा तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, और हनुमान जी की कृपा और शिव जी की कृपा से आपके सभी अज्ञात शत्रु और बाधाएं नष्ट होंगी और आप एक अच्छे दिन को जी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं तुला राशि वाले बड़े संभल के इन 4 तारीखों में अपने सभी काम करेंगे, नहीं तो उनको कोई बड़ी नुकसानी या बड़ा कोई हानि हो सकती है। तो आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, उपाय करते रहिए। उपाय सरल है लेकिन फायदेमंद है। हरिओम, नमस्कार।